नतीजे के 8 दिन बाद भी 2 राज्यों में सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। आज मध्य प्रदेश में सीएम की लॉटरी खुल सकती है, नए सीएम का नाम सामने आ सकता है, तय हो सकता है कि शिवराज का राज बना रहेगा या फिर नए चेहरे पर मोहर लगेगी। आज सुबह में हम राजस्थान में सीएम की रेस की भी बात करेंगे, जहां पर्यवेक्षक कल विधायकों का मन टटोलेंगे, लेकिन वसुंधरा ने आस अभी भी नहीं छोड़ी है। और हम कुछ ही देर में आने वाले सर्वोच्च फैसले पर भी नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट 370 की वैधता पर निर्णय लेने वाला है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहले बात करते हैं राज्यों में सीएम की दौड़ की। बीजेपी की जीत वाले 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन 2 राज्य एमपी और राजस्थान अभी भी यहां फैसले का इंतजार है। मध्य प्रदेश में आज फैसले का दिन है। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाएंगे। भोपाल में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। राजस्थान की बारी कल आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है। 2 डेप्यूटी सीएम भी यहां। तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर सज गया है, पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन पोस्टर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की तस्वीर तो है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान नदारद है। आज सीएम के नाम पर देखिए मोहर होनी है। 3 राज्य कहां कहां क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश पर अब नजर है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक है और आज ही यह तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो अभी मुख्यमंत्री है वही आगे मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, या जैसे छत्तीसगढ़ में एक नए चेहरे को लेकर आया गया है वैसा ही नया चेहरा मध्य प्रदेश के लिए भी लाया जाएगा, और वो कौन होगा ये भी बड़ा प्रश्न है। और ये तब से बना हुआ है जब से देखिए परिणाम सामने आए हैं। वहीं 3 राज्य जहां पर अभी नजर है उसमें दूसरा बड़ा राज्य राजस्थान है, उसमें इसलिए नजर क्योंकि वहां भी पेच फंसा हुआ है। वसुंधरा राजे पूरी ताकत लगा रही हैं, दिल्ली तक वो आई, लेकिन क्या उनके नाम पर ही सहमति बन पाई है ये बड़ा प्रश्न है। और अगर वो नहीं तो फिर कौन, क्योंकि बीजेपी क्या किसी महिला को आगे करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सामने आ रहा था कि आदिवासी और हो सकता है कोई महिला सामने रखी जाए, लेकिन वहां पर आदिवासी चेहरा चुना गया है छत्तीसगढ़ के लिए। अब यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस तरीके के गणित होते हैं, क्या एमपी में ओबीसी सीएम लेकर आने की योजना बीजेपी की रहती है। अब विष्णु साय नए सीएम है छत्तीसगढ़ के, ये आपको अपडेट बता दें। 2 डेप्यूटी सीएम भी जो है वो यहां रखे गए। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है, यानी सस्पेंस जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन सस्पेंस अभी मध्य प्रदेश के लिए बना हुआ है, जिस पर आज शाम तक खबरें सामने आ सकती हैं कि कौन से ये चेहरे जो आप देख रहे हैं, जिन पर कयास सबसे ही लगाए जा रहे हैं जब से परिणाम आए। लगभग 8 दिन हो चुके हैं और अभी तक तस्वीर मध्य प्रदेश पर साफ नहीं हो पाई है। रवीश हमारे सहयोगी, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा इसे तय करने के लिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। सभी विधायकों को आज भोपाल में होना है इस विधायक दल की बैठक के लिए, और इसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन, और उसकी तैयारियां जो है अब वो पूरी हो चुकी है। हम उस कक्ष में मौजूद है जहां पे विधायक दल की बैठक होनी है। यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ा सा पोस्टर जो है फिलहाल वो चर्चा का विषय बना हुआ है यहां पे, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे बड़े से पोस्टर में कहीं पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो नहीं है। सबसे ऊपर अगर देखें तो सबसे बड़ा फोटो यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि नारा ही ये था एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और उसके बाद अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा किसी भी नेता को इस पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। सवाल यहीं से उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16.5 सालों के मुख्यमंत्री, उनका चेहरा फिलहाल इस पोस्टर से गायब है। हालांकि कहने की बात तो यह है कि ये संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, और जिस संगठनात्मक तरीके से यह पूरा चुनाव लड़ा गया है, इसीलिए संगठन के चेहरों को यहाँ जगह दी गई है, सत्ता को नहीं। लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश में क्योंकि 16.5 सालों से उनकी सरकार भी रही है, उनका चेहरा इन पोस्टर पे ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत भी दे रहा है। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये जो मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पर तमाम पर्यवेक्षक बैठने वाले हैं। बीच की जो 3 कुर्सियां हैं, ये मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा के लिए आरक्षित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इन्हीं कुर्सियों पर बैठेंगे। पीछे की तरफ संगठन के दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं, और इस तरफ आपको बताएं कि भाजपा के जो तमाम विधायक हैं
उनको जगह दी जाएगी। इन कुर्सियों को अगर आप देखें, ये जो आरक्षित लिखा हुआ है, माना जा रहा है कि जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो जो बड़े नेता हैं भाजपा के, जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें सबसे आगे की पंक्ति में जो है वो जगह दी जाएगी और इन्हीं पंक्तियों में भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं को अग्रिम पंक्ति में जो है बैठाया जाएगा। शाम करीब 4 बजे ये बैठक शुरू होनी है। इससे पहले आपको बताएं कि विधायकों का एक ग्रुप फोटो सेशन होना है जिसके लिए बाहर तैयारियां की गई हैं, और इसके बाद जो है आपको ये भी बता दें कि जो विधायक दल की बैठक हो जाएगी, जब मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा तो उसके बाद एक बार फिर से जो फोटो सेशन है वो पूरा होगा। इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री जो है जो नए होंगे उनका भी चेहरा होगा, तो वो फोटो जो है विधायक दल की बैठक के बाद होगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से इस कक्ष को फूलों से सजा दिया गया है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सस्पेंस जो है वो शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, अब देखिए छत्तीसगढ़ में तो ऐलान हो चुका है, वहां सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन नजर मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से दिग्गज वहां पर पहुंच रहे, किस तरीके की तैयारी? हमारे साथ सईद अंसारी भी है, हमारे साथ रवीश भी है, लेकिन अशोक सबसे पहले आपसे जानकारी, बाकी दो के पास आ रही हूं। देखिए अभी थोड़ी देर में ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय सचिव हैं आशा लाकड़ा जी, वो पहुंचेंगी। तीनों के तीनों ऑब्जर्वर थोड़ी देर में भोपाल आएंगे, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विधायकों से बातचीत करेंगे और शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अगला कौन होगा मध्य प्रदेश का, इसकी घोषणा की जाएगी। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, लंबा उनका एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, इसके अलावा प्रहलाद पटेल, उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मुख्य मंत्री रहे हैं, कोयला राज्य मंत्री 2003 में वो रहे हैं, कई बार के सांसद हैं और विधायकी का चुनाव लड़ा था, उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया था। और भी नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे के यहाँ पे विधायक हैं और उनका भी नाम चल रहा है, बी डी शर्मा का नाम चल रहा है, ज्योतिराज सिंधिया हैं, कई नाम चल रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला आज शाम को हो जाएगा ऑब्जर्वर्स की, जो विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि अगर आलाकमान की बात की जाए, आलाकमान ने मन बना लिया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा और खबरें ये आ रही हैं कि नया चेहरा हो सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी भी रेस में है, उनके भी नाम की चर्चा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से रमन सिंह लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नया चेहरा उनको दिया गया है, और कल राजस्थान में भी उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल की बैठक होगी, वहां भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरे दिन ये एक्सरसाइज चलेगी, विधायकों के साथ बातचीत चलेगी और मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री आज शाम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल, और देखिए सईद, यहाँ पर चौकाया छत्तीसगढ़ में तो नहीं, जिन नामों पर संभावनाएं चल रही थी उन्हीं में से एक नाम जिसको चुना गया, क्या लगता है मध्य प्रदेश को देखकर, क्योंकि यहाँ पर भी कयासों में एक लंबी लिस्ट है, लंबे कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग नामों को लेकर चर्चाएं गर्म है, लेकिन कौन सा वो नाम है जो सबसे आगे निकल सकता है, क्योंकि आप वहां घूम रहे हैं, आप समझते हैं मध्य प्रदेश के नब्ज को, क्या स्थिति समझ आ रही है? और आप बार बार ये कह रहे हैं कि नाम तो तय हो चुका है, बस सामने आना बाकी है, किसके नाम की सबसे प्रबल संभावना? अर्पिता जी, एक बार फिर से आपने कहा, दो तीन अपडेट आपको दे दें। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पोस्टर ये है कि 2024 की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पोस्टर यही है और यही होने वाला है। दो तीन अपडेट ये हैं कि जब आप और हम बात कर रहे हैं, इसी दौरान हम चल इसलिए रहे हैं ताकि हम बीजेपी दफ्तर दिखा सके आपको जो सब तैयारियां हो गई हैं। तो अभी मनोहर लाल खट्टर अपने दोनों पर्यवेक्षक साथियों के साथ बस उतरने वाले हैं, 10:30 बजे वो विशेष विमान से यहाँ पहुंच जाएंगे, चल चुके हैं, पहला अपडेट। दूसरा अपडेट, सारे विधायक पहुंच चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल भी आ चुके हैं क्योंकि दोनों दिल्ली में थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, 6 नाम है। 6ों के बंगलों पर इस समय जबरदस्त समर्थकों की भीड़ लगी हुई है, भाजपा कार्यालय दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लेकिन दूसरा अपडेट यह है, हर विधायक को, सब लगभग सारे विधायक पहुंच चुके हैं, सबको सख्त हिदायत दी गई है, आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत कोई भी विधायक किसी से नहीं करेगा, मीडिया से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब आप जो बार बार पूछ रही, नाम तय हो गया, जी हाँ नाम तय हो गया है। सुबह से मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संपर्क में थे, वहां से निर्देश उन्हें मिल रहे थे, लगातार बातचीत उनकी चल रही थी और बातचीत करने के बाद वो यहां पर आए हैं।
वो नाम लेकर आए हैं, विधायकों के सामने नाम रखा जाएगा, उस नाम पर सबकी चर्चा होगी, विधायकों से रायशुमारी होगी, 1-to-1 विधायकों से बात होगी, यानी कि नाम तो आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय कर दिया है। जेपी नड्डा ने वो नाम मनोहर लाल खट्टर को बता दिया है, वो यहां पर रखा जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का नाम चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और ये 6 नाम के अलावा आप उप मुख्यमंत्री 1 या 2 ये भी मत भूलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसीराम सिलावट को इनाम देना है। वो 2018 में जब कांग्रेस जीत गई थी, सरकार बना ली थी, फिर से बीजेपी की सरकार बनी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसीराम सिलावट, तो क्या तुलसीराम सिलावट उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या एक और उप मुख्यमंत्री इन 6 नामों में से जो नहीं मुख्यमंत्री बनता है उनमें से एक और उप मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी और तैयारियों की तस्वीरें भी आपने दिखा दी। लेकिन आखिरकार जैसे छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा लाए, यहां पर कोई ओबीसी चेहरा होगा, ब्राह्मण चेहरा होगा, राजपूत चेहरा होगा, ये तमाम सवाल है। और क्या नया चेहरा होगा? और इसके साथ एक तस्वीर और छत्तीसगढ़ में दिखी, रमन सिंह ही प्रस्ताव लेकर आए विष्णुदेव साय का, हालांकि वो बहुत करीबी है उनके, लेकिन बावजूद इसके वो प्रस्ताव लेकर आए। यहां क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी स्थिति बन पाएगी कि शिवराज सिंह अगर नहीं बनते तो वो किसी के नाम का प्रस्ताव लेकर आए, या वसुंधरा राजे किसी के नाम के प्रस्ताव को लेकर आए? ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां दोनों छोर पर लड़ाई ये है, शिवराज भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वसुंधरा राजे भी अपनी ताकत दिखा रही हैं, और आज मध्य प्रदेश में कम से कम ये मान के चलिए कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, उसके बाद का सिलसिला होगा विधायकों से बातचीत। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और नया गीत है, विधानसभा में हम भले नहीं जीते लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों विधानसभा पूरे श्योपुर जिले से भारी बहुमत को जिताएंगे। मेरा काम है इस समय 29 की 29 सीटें जीतना, भारतीय जनता पार्टी जीते, हम सबके साथ मिलके उस अभियान में मैं लगाऊं। विधायक भी हो सकता है सीएम, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला, आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, दिल्ली मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। तीनों जगह थे जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी, वो तीनों जगह थे। और शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, हम शिवराज जी के पीछे सब लोग मिलकर 29 सीट लाएंगे मध्य प्रदेश। सरकार का गठन जल्दी से जल्दी होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? सरकार का गठन जल्दी से जल्दी होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा?